डार्क एसएमपी जैसा इस एसएमपी का नाम है वैसे इनमें प्लेयर एंड उनके काम है एंड कैसे मैंने इस डेडलीएस्ट एसएमपी में सरवाइव किया वो भी वन हार्ट पे 6 मार्च 2024। इस दिन एंडरमैन एक्सट्री फार्म अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं ओवरवर्ल्ड के किसी एक्सट्री फार्म में अपना आर्मर हील करने गया था। एक्सट्री फार्म काफी ज्यादा स्लो होने के कारण मैंने थोड़ी देर एएफके होने का सोच लिया एंड यही मेरा सबसे बड़ा गलती था। वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि मुझे बिना किसी रीजन के मार देता है। Bro, what? Are you serious? Like, मैं मरा कैसे? Burn to death. ना ही वहाँ पे लावा था और ना ही फायर, तो मैं जल के कैसे मर सकता हूँ? Wait, देखते। बट वेट गाइज, इस वीडियो का एम हम लोग रखते हैं 200 लाइक, तो जल्दी से आप लोग लाइक करके इस टारगेट को कम्प्लीट करो। एंड हाँ, इतना कर ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो या बैक टू द वीडियो। यो, अब ये लोग कौन है? इनके इरादे मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे एंड जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये लोग थोड़ी देर बाद मुझे मारना स्टार्ट कर देते है। पहले तो मुझे लगा कि ये लोग बस मुझे ट्रोल कर रहे, बट एक्चुअल में ये लोग मुझे काफी ज्यादा बार मार देते है। मैं इनको लूर करके बहुत ज्यादा दूर लेके जाना चाहता था ताकि मैं दूसरी बार मरने पे यहाँ से एस्केप कर दूं, बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। ओ शिट ब्रो, भाई मैं लिट वन हार्ट पे हूँ। ये मेरे पास लास्ट चांस था, या तो एस्केप या तो बैन। वैसे मैं इनको काफी ज्यादा दूर भगा के ले गया था, तो मेरे पास भागने का भी टाइम तो है। एंड एक बात तो अच्छी है कि किसने यहाँ पे दिन कर दिया। काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए थे, तो मैं अपने बेस पे जाता हूँ एंड अपना जितना भी सामान था वो सब मैं ले लेता हूँ। मैं वन हार्ट पे था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं इनसे रिवेंज तो जरूर लूंगा, बट उससे पहले मुझे काफी ज्यादा टोटेम चाहिए, बिकॉज टोटेम ही ऐसा चीज है जो कि मुझे बैन होने से बचा सकता है। तो इसलिए मैं रेड फार्म पे जाता हूँ एंड वहाँ पे जितने भी सारे टोटेम होते हैं मैं सब ले लेता हूँ। हार्ट ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बिकॉज ये हमारे एसएमपी में बहुत ही ज्यादा रेयर है। हार्ट को क्राफ्ट करने के लिए हमें नेदरराइट इंगट चाहिए, जो कि हमारे एसएमपी में अभी बैन है। इसको हम लोग माइन तक नहीं कर सकते एंड जैसा कि मैंने बताया हमारे एसएमपी में हार्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो कौन ही हमारे साथ हार्ट ट्रेड करना चाहेगा। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम लोग दूसरे प्लेयर को मार के उनसे हार्ट ले ले। पहली बात तो मैं वन हार्ट पे था, ना ही मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस थे और ना ही मेरे पास एक अच्छा सा आर्मर था, तो इसलिए मैं एक बेसिक सा ट्रैप बिल्ड करने लग जाता हूँ। ट्रैप तो रेडी है एंड सामने मुझे वही बंदा दिख रहा है जिसने मुझे मारा था एंड आज तो ये गया। मुझे बस इसको लूर करके अपने ट्रैप के पास लाना है ताकि मैं उसे गिरा पाऊँ। इधर मैंने RX और इंडरपल चैम्बर पर रखा था ताकि अगर किसी बंदे ने स्पॉन सेट नहीं किया हो तो हम लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होके उस बंदे को मार पाए। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही, RX ने मुझे वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया एंड मैंने आदि को दो बारी मार दिया, जिससे मुझे दो हॉट मिल गए। एंड मुझे RX पे इसलिए ट्रस्ट था बिकॉज वो पहले से ही काफी ज्यादा वीक था, तो शायद ही वो मुझे मार पाता। और अब आपके मन में भी एक डाउट होगा कि मैंने RX को क्यों न पहले मार दिया, खैर वो तो आपको आगे पता चलेगा। और अब इतना सब होने के बाद मैं ट्रैप दिखाने के बहाने RX को ट्रैप के नजदीक ले गया एंड उसे ट्रैप में ही गिरा दिया, ये बोल के कि ये सब मिस्टेकली हुआ है। एंड उसे मुझ पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था एंड इसी का फायदा उठा के मैंने उसे दो बारी मार दिया। एंड चंग के बाहर जाने के बाद RX ने गेम लीव कर दिया। सो यस, मैंने फेथ के साथ भी स्कैम कर लिया एंड अभी मेरे पास 5 हार्ट हो चुके थे। मैं काफी ज्यादा खुश था, बट उसी वक्त एक प्रॉब्लम हो जाता है। अबे ब्रो, मैं मार दूंगा बता दिया मैंने, एक बार बोला रुक जाने के लिए तो समझ में नहीं आ रहा क्या? ब्रो रुक, परफेक्ट पुश नहीं करूंगा। ओके, मैं रुक गया, बट काम क्या है मुझसे? मेरा हर्ट्स वापस दे तू। एक सेकंड, तुम्हारा हार्ट? वो मेरा हार्ट था जो कि तुमने मुझे मार के लिया था। मैं बता दे रहा हूँ ब्रो, मेरा चुपचाप हर्ट्स दे दे। वो तुम्हारा हार्ट कैसे हुआ भाई? मैं वापस नहीं करने वाला, मतलब नहीं करने वाला। तो तू ऐसे समझेगा नहीं, मेरे को पता लग गया। रुक क्या? ओ सेट ब्रो, अब आदि यहाँ पे फुली प्रिपेयर हो गया था एंड मेरा वहाँ से निकलने में ही भलाई था, तो इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से भाग जाता हूँ। ओके, वेट वेट वेट,
भाई रुक जाओ, मैं मरने वाला हूँ। भाई देखो, अगर तुम मुझे अभी मार भी दोगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरा सामान एंड एक हार्ट ही मिलेगा, ठीक है? हार्ट की जरूरत तुम्हें भी है एंड मुझे भी है, सो क्यों ना हम दोनों ही मिलके कुछ प्लान बनाए जिससे दोनों का फायदा हो। ये बिट्री वाला तो स्कैम वाला तो नहीं सीन है ना ब्रो? नहीं, मैं बिट्री नहीं करने वाला। क्या प्लान किया तुम्हारा? अब इतना सब होने के बाद आदि तो मेरे प्लान में शामिल होने के लिए मान गया था, एंड उसी वक्त मुझे डिस्कॉर्ड पे पता चलता है कि एक बंदे को बहुत ही ज्यादा हार्ट की जरूरत है। यो परफेक्ट, कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको SMP में बहुत ही ज्यादा हार्ट की जरूरत है। अरे बहुत भाई, क्या बोलूं, है क्या? ठीक है, मैं दे सकता हूँ, बट कितने चाहिए आपको ऐसे? अरे 3 हो जाते तो मेरा मैच हो जाता अभी हार्ट। 3 हार्ट? ओके, मैं आपको 3 हार्ट दे दूंगा, बट उसके बदले आपको मुझे 15 डायमंड ब्लॉक देने होंगे। ब्रो 15 ज्यादा नहीं हो गया? भाई आपको ये तो पता है ना कि हमारे SMP में हार्ट कितना ज्यादा रेयर है, इनफैक्ट इसको हम लोग क्राफ्ट तक नहीं कर सकते। अच्छा चलो डील डन, 2 घंटे में मिलते हैं SMP में। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो खुद ही 5 हार्ट है, तो मैं ZX के साथ हार्ट का ट्रेड क्यों कर रहा हूँ? तो भाई देखो, रियल हार्ट का ट्रेड ही किसको करना है। सो बेसिकली रेड डाई का एंड हार्ट का टेक्सचर लगभग पूरा सेम ही है, तो इसलिए हम लोग रेड डाई को रीनेम करके ZXY को देने वाले हैं। ZXY को तो मैंने यहीं का कोड दिया था, बट अभी तक वो आए क्यों नहीं? ओके वो रहे। यो परफेक्ट भाई, हेलो ZXY, कहाँ रह गए थे इतनी देर से? लायन हार्ट। अरे बिल्कुल भाई, ये देखो मेरे हाथ में। अच्छा जैसे मैंने बोला था वैसे मुझे 15 डायमंड के ब्लॉक दे दो, उसके बाद मैं आपको 3 हार्ट दे देता हूँ। पहले तुम दो भाई, मैं ट्रस्ट क्यों करूँ? ओके ऐसा करते हैं, एक एक करके ट्रेड करते हैं। लाइक आप मुझे 5 डायमंड के ब्लॉक दोगे एंड उसके बाद मैं आपको 1 हार्ट दूंगा, ऐसे करके। ठीक है चलो डील, ये 1 2 3 4 5, चलो 1 हार्ट यहाँ पे लाओ। ये लो आपका 1 हार्ट लो। 3 4 5 चलो। ओके ये लो आपका 2रा हार्ट। 1 2 3 4 5 चलो। ओके ये लो आपका लास्ट हार्ट आदि। यो अबे क्या ना ब्रो, स्कैम ब्रो, ये भी नहीं है, डाई है। एक्स्ट्रा हार्ट बोल के डाई दे दिया। अच्छी भाई ZXY, आप बहुत लेट हो चुके हो। लेट्स गो भाई, लूट लो सारा सामान, लूट लो भाई। ये स्कैम अच्छा नहीं किया आपने, बता रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि हम लोग काफी ज्यादा स्लो हार्ट ओपन कर रहे हैं, बिकॉज इतना कुछ करने के बाद भी मेरे पास बस 6 हार्ट ही था, तो अभी हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सो वेलकम टू द गेम ऑफ पिरामिड, जिसके अंदर होने वाला है एक बड़ा सा मेज, एंड जो भी इस मेज को पहले कंप्लीट करेगा उसे मिलेगा 3 हार्ट। यस, तो सबसे पहली बात तो आप लोग अंदर जाके चीटिंग ना कर सको, इसलिए आपको सारा सामान एंडर चेस्ट में रखना पड़ेगा। ओके रख दिया क्या सबने? रख दिया। भाई वेट, तुम लोगों पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, पहले तो तुम लोग इस बेड पे रिस्पॉन सेट कर लो एंड उसके बाद तुम लोग इस लावा में जाके मर जाओ, ताकि तुम्हारे पास जितना भी सामान रहे वो जल जाए। एंड रिस्पॉन सेट करना है भाई, तोड़ना नहीं है बेड को। हो गया मेरा सेट। ओके अब एक एक करके लावा में कूद जाओ, बिकॉज अगर मैंने आपको मारा तो आपका हार्ट मेरे पास आ जाएगा एंड मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि आप लोगों को 2 चांस मिलने वाले, सो इसलिए आप लोग चेस्ट से पल निकाल के चैम्बर पे एक्टिवेट कर लो, ताकि बाय चांस अगर आप खो जाओ तो मैं आपको यहाँ पे TP कर पाऊँ। ओके तो सब कुछ रेडी है एंड 3 2 1 लेट्स गो।
सो फाइनली अब मेरे पास मैक्स आर्ट हो चुका था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसके बाद मैं SMP में रिटर्न आता हूँ। भाई कितना कुछ चेंज हो गया SMP में। एंड यहाँ पे स्वॉर्ड बनाया है किसी ने जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे आई थिंक PP अरीना बन चुका है। और ये किसका घर है? देखने में तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके आई थिंक ये टाउन हॉल है ऐसा मीटिंग वीटिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे कौन चेस्ट लगाता है? इसमें तो बस बुक रखे रूल्स लिखे गए इसके अंदर। तुमने स्कैम करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। यू आर गोइंग टू बी डेड मिस्टर भी। What?